अगले सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन कभी हम लोग वोल्ट मीटर के फॉर्म में करते हैं, कभी एमीटर के फॉर्म में करते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर से रिलेटेड है। इसमें कहा गया अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉयल रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 mA इज पास थ्रू इट। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम और इसका आईजी वैल्यू है 1 mA, यानी कि 10⁻³ A। ये जो आईजी होता है, आईजी वैल्यू जो होता है वो होता है फुल स्केल करंट। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन दिखाना है तो इतना करंट फ्लो करना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर गिविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। कहने का मतलब यह है कि इस गैल्वेनोमीटर को हमें एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, वो वोल्ट मीटर 10 वोल्ट की रीडिंग तक मेजर कर सकता है। ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रखा है ना। तो हमें मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो है 10 वोल्ट, है ना। तो हमें पता है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। तो उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा गया है ना। पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस व्हिच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो हमें पता है कि जैसे सपोज ये और ये पॉइंट के बीच में हमें मेजर करना है वोल्टेज, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम रखेंगे, अभी मैक्सिमम कितना है 10 वोल्ट। ठीक, और ये दो पॉइंट है इनके पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर में एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है R। ठीक, तो इस कंडीशन में चूंकि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है, ये पूरा जो है ये वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर के अंदर ही गैल्वेनोमीटर भी है और ये रेजिस्टेंस भी है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब यहाँ से आईजी करंट जाना चाहिए इतना, तभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 10 वोल्ट की रीडिंग बता रहा होगा वो। ठीक, तो अभी क्या होगा, अगर आईजी करंट जा रहा है, यहाँ दो रेजिस्टर्स है, एक तो गैल्वेनोमीटर है, एक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने जोड़ा है, तो इक्विवेलेंट उनका आएगा R+G। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, करंट जा रहा आईजी, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ये हो गया यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि 10 वोल्ट के इक्वल आना चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाले केस में, क्योंकि करंट जो है इतना फ्लो करेगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ही आएगा, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही आएगा, है ना। तो इसमें से हमें R की वैल्यू निकालनी है। ये दिया गया है 10⁻³, यहाँ पर देख सकते हैं R+G का वैल्यू है 100 = 10। तो R+100 का वैल्यू हो गया 10⁴, तो R का वैल्यू हो गया 10⁻⁴⁻⁰, तो इसको लिखा जा सकता है 9.9 × 10³⁾ ओम, है ना। मतलब ये हुआ कि इसको लिखा जा सकता है 9.9 kΩ। देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये 9.9 kΩ दिया गया है ना, तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर।